तो गाइज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये रही हमारी मशीन और ये रहे हमारे दो दूसरे आइटम। इसके साथ ही इधर आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट लेकर के आए। और गाइज अभी हम आपको दिखाते हैं एक ड्रोन जो कि एक, हाँ जी, तो गाइज ये रहे बहुत सारे और हमारे साथ मिस्टर शांतिलाल जी और ये भाई जिन्होंने पवन चक्की बनाई थी और दिखाएंगे कभी आपको भी। भिलवाड़ा के कलेक्टर महोदय द्वारा जुगाड़ मेला यानी कि साइंस फेयर का उद्घाटन किया गया। वी ऑन बिहाफ ऑफ संगम यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर गौरव गुडानिया सर आईएएस आरएएस एडीएम भिलवाड़ा। इसके बाद हम सभी के मॉडल देखने के लिए निकल पड़े। भाई ये क्या लैपटॉप से ऑपरेटेड है क्या? लैपटॉप से ऑपरेटेड होती है या फिर मैन्युअली है? मैन्युअली। अच्छा, क्योंकि मीटिंग जाते हैं मोटर चालू हो जाती है। गजब आइडिया है। मोबाइल के अंदर सिग्नल भी जा सकता है? अच्छा, फिर इसके साथ में जैसे लाइट वगैरह अलार्म वगैरह भी होते घर में? अच्छी बात है, लेकिन मिरर का बैलेंस बराबर होना चाहिए 45 पर, एक से इससे दूसरे पर, जैसे लाइट चालू होती है इससे इस पर जाएगा, इससे इस पर। हाँ यहाँ ये वही तो मैं कह रहा हूँ, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिव होकर के फिर दूसरे तीसरे पर जाती है। सेफ्टी से जो सिस्टम है मतलब नाली साफ करने का, इसके अंदर जो होता है सामने जो भी नाली के अंदर पता है पन्नी प्लास्टिक बोतल कैप या कोई भी पता है मिट्टी वगैरह है तो उसके अंदर इकट्ठी होकर यहाँ पर आ जाती है और बाकी जो पानी है वो इससे बिल्कुल फैल जाता है। मतलब इसको नाली के अंदर रखा जाता पूरा सा? नहीं, ये थोड़ा सा नाली के बाहर रहेगा थोड़ा। हाँ, मतलब ये पेंदे तक ये जाना चाहिए ना? पेंदे तक ये जाना चाहिए, फिर ये यहाँ से उठा करके ये फिर उधर इधर गिर जाएगा। मतलब तो यहाँ पे मोटर लगी होगी डीसी मोटर जो इसको कंटिन्यू रोटेट करती रहेगी। हाँ, वो तो बोले सोलर सिस्टम से वगैरह कैसे भी सेट कर सकते हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। ये दोस्तों देखिए कुछ प्रिंट हो रहा है या फिर किस प्रकार से चल रही है। ये दोस्तों देखिए यहाँ पर साइकिल से पानी निकालने की मशीन है। मोटर चलेगी, चलाना देखिए भैया। और हमारा पानी आने वाला दोस्तों देखिए 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 वो नली में ऊपर पानी आ चुका है। ये रॉकेट जुपिटर रॉकेट, तो हम चले इसके कैंपस के अंदर। टेम्परेचर लगभग कितना होता है इसका? टेम्परेचर 500 से 1000 है ना? तो ये क्या पूरी रात 12 घंटे तक ये गर्म रहता है? अच्छा, 12 घंटे तक रह जाता है? 500 से 1000 डिग्री। हाँ हाँ ठीक। उसके बाद में फिर ये ट्रांसमिशन किधर जाएगा? पोर्ट में। हाँ, साल्ट इसमें जाएगा, फिर इसमें क्या वाटर फ्लो कराएंगे अपन। हाँ, वाटर के थ्रू जाएगा टर्बाइन में, तो टर्बाइन में वाटर तो हो जाएगा स्टीम। हाँ, स्टीम बन के इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। बिल्कुल। और मोल्टन साल्ट वापस कंडेंसर में जाके कंडेंसर से वापस रिकवर होकर जाएगा ये रिसीवर में। ये साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी। बिल्कुल, ओके। 24 आवर्स। ये कुछ ट्रैफिक लाइन से संबंधित कुछ इन्होंने बनाए हैं, आप देख सकते हो काफी अच्छा है बनाया लगभग। एक छोटा प्लेन कितने तक बन जाता है सर कॉस्ट? 25,000 कम से कम कॉस्ट जाती है सर।
अच्छा प्लान बन जाता है। और ये बड़ा, ये तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है। इसमें क्या एग्रीकल्चर पर्पज हो जाता है? नीचे टैंक लगा हुआ। अच्छा स्प्रिंग स्प्रिंग पर्पज से। अच्छा कीटनाशक स्प्रे करने खेत है, खेत में पूरा आप घूम घूम कर मीटर भी कर ले। ये तो कूड़ो। और आगे आगे कही है कि देखो किसान की मैंने लेवल भी तो जाए बटन चालू करा लेवल बताते हैं खत्म लेवल पानी की बात है। अच्छा जैसे है ना पानी खत्म हुआ और ऑटोमेटिकली मोटर ने जो चालू कर देगा और जो भरी ऑटोमेटिक बंद कर देगा। अच्छा अच्छा लगा दो कूड़ा पे भी यानी कटे का तो फोम है। अरे आगे तो गंभीर गाने दो तो गाइस अभी हम यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आ चुके हैं। अंदर चलो अंदर। अभी हम दोस्तों दोपहर का भोजन करने के लिए कैंटीन में जा रहे हैं और अंदर जाकर देखते हैं कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं हमारे लिए। और जैसे ही हम इंटर हुए इस रूम पूरा फुल था, यानी कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ सीटें अवेलेबल नहीं थी। तो इसके बाद हम बाहर कैंटीन में आ गए थे और यहाँ पर हमने दोपहर का भोजन किया। और देखते भोजन में क्या क्या बनाया। देखिए एक है पापड़ है, तीन प्रकार की सब्जी, चावल और चपाती वगैरह थी। हम दोस्तों अभी कॉलेज में घूम रहे हैं और यहाँ पर देखते हैं, देखिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यानी लोग तो क्या बोला स्टूडेंट हैं। इधर भी कोई, अरे इधर भी है ना यार, इधर ये है लेबोरेटरी, ये फिजिक्स लैब होगी मेरे हिसाब से। और ये गाइस देखिए ये मोटर से चलने वाला ये व्हील है। और बस हो गया। अच्छा हम हैं यहाँ पर शांतिलाल जी और हम दोनों और हमारे साथी मिले हमको, क्या नाम है आपका, नाम क्या बताया? हरिशंकर जी, काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व हैं। ओ गाइस ये क्या मिला हमको, एक ट्रैक स्मार्ट सिटी, यानी कि अब भिलवाड़ा स्मार्ट सिटी बनने की तैयारी में है। स्मार्ट सिटी ये क्या दिखा यार हमको, ये ऊपर पवन सिक्की का मॉडल है और नीचे आप देख सकते हो इससे क्या बनेगा है, प्यारा सा गार्डन। अच्छा यार अच्छा लग रहा है यार, तूने बनाया क्या? अरे आई एम सो, आई एम सो। अरे रुक, अरे घूमने दे उसको, हम तो देख लेंगे। तारीफ सुन तेरी तारीफ। तूने बनाया क्या? सत्यन पूछ रही क्या बात है, जायसवाल ने बनाया। अच्छा ठीक ठीक भाई, यार तुम लोगों ने यार ये पौधे के जो हरा रंग काफी अच्छा लगा है, गजब है गजब। और आगे है एक तो ये, एक वो, ये कौन सी मशीन है आटा पीसने की? ये ओम प्रकाश गुजर है। अच्छा कहाँ से? ये भिलवाड़ा से है, कुंभा स्कूल से। ये कुंभा स्कूल जू से। ठीक है बहुत अच्छा, भिलवाड़ा जू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चिड़ियाघर से। और यहाँ पर मिला हमको एक आधुनिक गांव का जो डेमो है, जहाँ पर आधुनिक गांव में एनर्जी की काफी समस्याएं होती, तो वहाँ पर आप पवन चक्कियों के डेमो देख सकते हो। और साथ ही बहुत सारे ऐसे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बहुत सारे वैकल्पिक सोर्स इन लोगों ने दिखाए हैं, जहाँ से बेल विद्युत टर्बाइन बनाने का है और भी बहुत सारे। और यहाँ पर इन लोगों ने छोटी सी डीसी मोटर लगा रखी है जो कि डीसी करंट जनरेट करती है। ये देखिए हम हेलो सर, क्या सिस्टम है?
अच्छा, जैसे ट्रैवलिंग करते वक्त अगर नींद आ जाए या फिर ना नींद स्लीपिंग नो या ओ आई कैन ट्राई इट या एंड बिकॉज़ ऑफ well right now the cost still demanding the rise yeah It is operated by the laptop yes and mobile also no I'm just charging acha right, I can use this yeah it is currently malfunctioning right now we need to like mix up aap jaiye aapka photo dikhaiye wow very nice तो वहीं पर रुकना है ना तो ये है टेलीस्कोप जिसको हम देख सकते हैं आसानी से ये देखे गाइस ये इतनी बड़ी घड़ा है घड़ी नहीं घड़ा घड़ा है तो सीधा घड़ा दिख रहा है मेरे को और ये पूरी लैब है उसको देख सकते हैं ये वही है जो हम जहाँ पर वेल्डिंग कराने जाते हैं वहाँ पर उसके पास होता है जो ये मतलब पूरा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है इनका काफ़ी अच्छा है बारिश आ चुकी है बहुत अच्छे से और काफ़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है लोगों ने एक्टिविटीज़ की हैं एक्टिविटीज़ ये एल्यूमिनियम मीट है ये एक्सिबिशन है ये गाइस यहाँ पर केमिस्ट्री की लेब दिखी मेरे को काफ़ी सारे केमिकल के स्मेल आ रहे हैं यहाँ से और ये देख सकते हो आप दोस्तों क्या है इसको बहुत टाइम पहले इसका नाम भी भूल गया मैं ये तो है छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब है ये क्या है यार मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा बाकी सारे बहुत सारे केमिकल्स पड़े हैं और बीकर वगैरह पड़े हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप एंड सबसे ऊपर ही बीच में है गूगल जो कि सबका राजा बीच में ऊपर नहीं है बीच में प्रोग्राम फिनिश है विजिटिंग का पूरा हो गया और अब है सेमिनार जिसमें आखिर विनर कौन होगा उसका अनाउंसमेंट होगा और उसी के लिए हम रुक रहे हैं लेकिन गाइस बाहर बहुत सारी तेज बारिश आ रही है सिंगापुर या दुबई चलते हैं काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव है घूमती है उसे काफ़ी तेज़ घूमती है और सर लकड़ी की ब्लेड है शायद किसकी ब्लेड है पता नहीं इसके बाद हम सीधे सेमिनार में पहुंच गए हैं और वहां पर हमारे साथी हम बैठे थे और फर्स्ट विनर के रूप में मेरा नाम पुकारा गया और काफ़ी उत्साहित था मैं और फाइनली गाइस हम इस फेयर में फर्स्ट अवार्ड विनर करके हम आ गए हैं और ये रहा हमारा ट्रॉफी कप